आज हम त्रिकोणमितीय सरल समीकरण का अध्ययन करेंगे। प्रश्न है, निम्न समीकरण से थीटा विलोपित कीजिए। दिया गया है x cos थीटा प्लस x sin थीटा इज इक्वल टू a एवं दूसरा समीकरण दिया हुआ है x cos थीटा माइनस x sin थीटा इज इक्वल टू बी। इन दोनों समीकरणों से हमें थीटा को विलुप्त करना है, तो थीटा को विलुप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि हमको विलोपन विधि से समीकरण को हल करेंगे जिसमें साइन थीटा और कॉस थीटा के मान को निकाल देंगे। इसको सॉल्व करने के लिए पहले देखते हैं क्या दिया गया है। दिया गया है कि x cos थीटा प्लस x sin थीटा इज इक्वल टू a समीकरण नंबर एक। x cos थीटा माइनस x sin थीटा इज इक्वल टू बी, ये दूसरा समीकरण हुआ। समीकरण एक में से समीकरण दो को जोड़ने पर दोनों समीकरणों को हम जोड़ रहे हैं, x cos थीटा प्लस x sin थीटा इज इक्वल टू a एवं x cos थीटा माइनस x sin थीटा इज इक्वल टू b। दोनों समीकरण को जोड़ दिए, x sin थीटा माइनस का और प्लस का कैंसिल हो गया, ये दोनों जोड़ के 2x cos थीटा इज इक्वल टू a प्लस b। यहां से cos थीटा के वैल्यू निकाल लेंगे, cos थीटा के वैल्यू निकाल लिए तो cos थीटा बराबर a प्लस b अपान 2x। समीकरण नंबर तीन नाम दे देते हैं इसको। इसी प्रकार से थीटा को विलोपित करने के लिए इन दोनों समीकरणों को हम घटा देते हैं। इसी प्रकार समीकरण एक में से समीकरण दो को घटाने पर समीकरण एक x cos थीटा प्लस x sin थीटा इज इक्वल टू a, दूसरा समीकरण x cos थीटा माइनस x sin थीटा इज इक्वल टू b। जब घटाने की प्रक्रिया अपनाते हैं तो चिन्ह चेंज हो जाता है, यहां पर ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, आपको मिलेगा 2x sin थीटा इज इक्वल टू a माइनस b। पुनः sin थीटा इक्वल टू a माइनस b अपान 2x, इसको समीकरण नंबर चार कह देते हैं। अब हमने cos थीटा के भी मान निकाल लिया समीकरण तीन के रूप में, sin थीटा के भी मान समीकरण तीन के रूप में निकाल लिया। इसके पश्चात हम इन दोनों मानों को आधारभूत सर्व समीका एक में रखकर
थीटा को विलुप्त कर सकते हैं। हम जानते हैं कि आगे का हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन। इस सर्व समीका में हम समीकरण तीन एवं समीकरण चार से साइन थीटा एवं कॉस थीटा के मान को रख देंगे। साइन थीटा a माइनस बी अपॉन टू एक्स स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, कॉस थीटा a प्लस बी अपॉन टू एक्स स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे। पुनः देखिए a माइनस बी के स्क्वायर को हम तोड़ेंगे, सॉल्व करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी अपॉन फोर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी अपॉन फोर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वन। फिर आगे देखें, दोनों का एलसीएम ले लें, दोनों समान राशि है, फोर एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी इज इक्वल टू वन। यहाँ पर देखते हैं क्वांटिटी माइनस टू ए बी प्लस टू ए बी दोनों कैंसिल हो जाता है। तत्पश्चात कलेक्शन कर लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू ए स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टू बी स्क्वायर अपॉन फोर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वन। पुनः क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, फोर एक्स स्क्वायर का वन के साथ और टू को कॉमन ले लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू फोर एक्स स्क्वायर। यहां से टू को पुनः पक्षांतर कर देते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू फोर बाई टू एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू टू एक्स स्क्वायर। तो इस राशि में हम पाते हैं कहीं पर भी थीटा नहीं है। इस प्रकार से विलोपन विधि से हम समीकरण से थीटा को विलुप्त कर लेते हैं, यही हमारा आंसर है। अगले प्रश्न में देखते हैं, प्रश्न है बताइए कि समीकरण बताइए कि समीकरण tan थीटा प्लस sin थीटा अपॉन टैन थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा प्लस वन अपॉन सेक थीटा माइनस वन।
सर्वसमीका है या नहीं, सर्वसमीका बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। हमको बताना है कि ये समीकरण वास्तव में सर्वसमीका है या नहीं। इसके हल के लिए हम प्रारंभ करेंगे जो दिया गया है। दिया गया है tan थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन tan थीटा माइनस साइन थीटा, समीकरण के रूप में इज इक्वल टू sec थीटा प्लस वन अपॉन sec थीटा माइनस वन। अब देखते हैं कि ये समीकरण जो है थीटा के किन किन मानों के लिए परिभाषित है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। तो हम जानते हैं क्योंकि tan 90 का मान tan 90 बराबर इनफाइनाइट होता है, अनंत होता है। इसी प्रकार sec 0 का मान भी, sec 0 डिग्री का मान भी इनफाइनाइट होता है, एवं sec 90 डिग्री का मान भी इनफाइनाइट होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि sec फलन 0 और 90 के कोण पर अपरिभाषित है, उसी प्रकार से जो tan फलन कोण 90 के लिए अपरिभाषित है। चलिए प्रारंभ करते हैं। tan थीटा, तो यहां पर हम जो थीटा लेंगे, यहां पर जो हम थीटा लेंगे, चर थीटा जो होगा, चर थीटा होगा वो 0 इस लेस देन थीटा इस लेस देन 90, थीटा और 90 के बीच का होगा। क्यों? क्योंकि sec फलन और tan फलन 0 और 90 के लिए परिभाषित नहीं है। tan फलन 0 के लिए परिभाषित है, लेकिन sec फलन 0 और 90 के लिए परिभाषित नहीं है। चर 0 इस लेस देन थीटा इस लेस देन 90 के मान को ग्रहण कर सकता है, मान को ग्रहण कर सकता है। कर सकता है, ये हमने तैयारी कर लिया। तत्पश्चात जो समीकरण है, इस समीकरण के हम बायां पक्ष को लेते हैं। बायां पक्ष बराबर समीकरण का बायां पक्ष है tan थीटा प्लस sin थीटा अपान tan थीटा माइनस sin थीटा। यहां पर हम क्या करेंगे इसको हल करने के लिए, tan थीटा के मान होता है, यहां पर लिखते हैं tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा बटे cos थीटा। मान को रख देते हैं tan थीटा की जगह पर sin थीटा बटे cos थीटा प्लस sin थीटा अपॉन पुनः यहां पर sin थीटा के स्थान पर tan थीटा के स्थान पर sin थीटा बटे cos थीटा माइनस sin थीटा। फिर आगे इसको हल करते हैं, इन दोनों का बटे एक लिख लिए, इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करते हैं, ऊपर सॉल्व करते हैं, आपको मिलेगा cos थीटा। या फिर एक काम करते हैं, यहां से सब में sin थीटा जो है ऊपर के पद में sin थीटा कॉमन है, sin थीटा को कंप्लीटली इसमें से कॉमन ले लेते हैं तो इसका हल बड़ा आसान हो जाएगा। यहां sin थीटा
प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। इसी प्रकार से नीचे में लेके चलेंगे, नीचे में भी कॉस थीटा और हो जाएगा, जब इसका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। आगे देखिए, इस पद में साइन थीटा कॉमन है, इस पद में भी साइन थीटा कॉमन है, दोनों से हम ले लेते हैं। यहां से ये कॉस थीटा और ये कॉस थीटा कैंसिल हो गया, ऊपर के पद से साइन थीटा कॉमन ले लिए, वन प्लस कॉस थीटा। नीचे के पद से भी हमने साइन थीटा कॉमन ले लिया, वन माइनस कॉस थीटा। इस प्रकार से साइन थीटा कैंसिल हो जाता है। उसके पश्चात ये कॉस थीटा है, कॉस थीटा को हम एक बटे सेक थीटा लिख सकते हैं, वन अपान वन बाय सेक थीटा अपान, इसी प्रकार से हम ले सकते हैं वन माइनस वन अपान सेक थीटा। अब इसको हल करते हैं तो ये हो जाएंगे सेक थीटा प्लस वन अपान सेक थीटा माइनस वन। नीचे का sec थीटा कैंसिल हो जाएगा। तो क्या हमारा राइट हैंड साइड यही है? तो हम पाते हैं समीकरण के बाएं पक्ष से प्रारंभ करके हम इस समीकरण के दाएं पक्ष में पहुंच जाते हैं और यही हमारा दायां पक्ष है। लेकिन चर किन किन मानों को ग्रहण करेगा? चर 0 और 90 के बीच के मानों को ग्रहण करेगा, उन्हीं सब मान के लिए ये सर्वसमीका होगा। इस प्रकार से दिया गया समीकरण थीटा के सभी मानों के लिए संतुष्ट हो रहा है जिनके लिए वह परिभाषित है, इसलिए दिया गया समीकरण एक सर्वसमीका होगा, दिया गया सर्वसमीका एक समीकरण होगा, सर्वसमीका एक समीकरण होगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रकार से हम सर्वसमीका से समीकरण सॉल्व करने का तरीका आपको बताया, फिर आके देखते हैं कि हम समीकरण को कैसे हल करते हैं, थीटा के मान के लिए हम समीकरण को हल करेंगे। किसी भी समीकरण के हल का तात्पर्य उसमें जो प्रयुक्त चर राशि होता है उसके मान को ज्ञात करने से होता है। अगले उदाहरणों में हम समीकरण में प्रयुक्त थीटा के मान को ज्ञात करके बताएंगे। समीकरण को हल कीजिए, समीकरण है हमारा कॉस थीटा अपॉन वन माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन वन प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू 4। ये हमारा समीकरण है, इस समीकरण को हमको हल करना है। तो समीकरण को हल करने का तात्पर्य थीटा का मान को ज्ञात करने से है। हल दिया गया है, दिया गया समीकरण, यहीं से हम प्रारंभ करेंगे। दिया गया समीकरण क्या है? कॉस थीटा अपॉन वन माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन वन प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू 4। ये समीकरण है, इस समीकरण को हल करना है। हम दोनों स्टेप से कॉस थीटा को पहले उभयनिष्ठ ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं,
वन अपान वन माइनस साइन थीटा प्लस वन अपान वन प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू फोर। कॉस थीटा इसको हल करते हैं, वन माइनस साइन थीटा वन प्लस साइन थीटा इसका गुणा इसके साथ हो जाएगा वन प्लस साइन थीटा, इसका गुणा इसके साथ हो जाएगा वन माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू फोर। दोनों कैंसिल हो जाएंगे, हमको मिलते हैं कॉस थीटा, यहां पर मिलेंगे टू, वन इंटू वन मिल जाएंगे टू, और सूत्र का इस्तेमाल करेंगे तो ये हो जाएगा वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू फोर। इसी प्रकार से कॉस थीटा इंटू टू अपान सरसमीकरण नंबर एक से वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू फोर। कॉस से एक कॉस थीटा कैंसिल हो जाता है तो टू बटे कॉस स्क्वायर कॉस थीटा इज इक्वल टू फोर। देन कॉस थीटा बराबर टू बाई फोर इज इक्वल टू वन बाई टू, तो कॉस थीटा बराबर वन बाई टू और ये कॉस सिक्सटी का मान होता है कॉस सिक्सटी, इसलिए थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो हम देखते हैं समीकरण को हल करने का तात्पर्य, यहां जो इस्तेमाल हुआ है थीटा उसका मान ज्ञात करना है। समीकरण को हम प्रारंभ करके हल करते हुए आगे बढ़ते हैं तो हमको थीटा का मान 60 डिग्री या 60 अंश मिलता है, यही हमारा आंसर है। इस प्रकार से हम त्रिकोणमिति समीकरणों को सरसमीकरणों का उपयोग करके हम इसको हल कर लेते हैं। इस प्रकार से त्रिकोणमिति समीकरणों को हल किया जाता है। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न पर हम विचार करते हैं, समीकरण को हल कीजिए। कॉस थीटा अपान कोसेक थीटा प्लस वन प्लस कॉस थीटा अपान कोसेक थीटा माइनस वन इज इक्वल टू टू एक त्रिकोणमिति समीकरण है। इस समीकरण में हल करके थीटा का मान को ज्ञात करना है। इसके हल के लिए हम प्रारंभ करते हैं दिया गया समीकरण। कॉस थीटा अपान कोसेक थीटा प्लस वन प्लस कॉस थीटा अपान कोसेक थीटा माइनस वन इज इक्वल टू टू एक समीकरण है। यहां पर भी हम दोनों पदों से कॉस थीटा को कॉमन ले लेंगे, कॉस थीटा दोनों पदों से कॉमन लेते हैं, ये मिलेगा वन अपान कोसेक थीटा प्लस वन प्लस वन अपान कोसेक थीटा माइनस वन ब्रैकेट ऑफ इज इक्वल टू टू।
इज इम्प्लाई कॉस थीटा इज इक्वल टू, ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, दोनों का एलसीएम लेते हैं तो प्राप्त होता है कोसेक थीटा प्लस वन इंटू कोसेक थीटा माइनस वन, इनका गुणा इनके साथ हो जाएगा तो कोसेक थीटा माइनस वन, इनका गुणा इनके साथ हो जाएगा तो कोसेक थीटा प्लस वन, कैंसिल हो जाता है प्लस माइनस। कॉस थीटा इज इक्वल टू टू कॉस थीटा, यहां देखते हैं कोसेक थीटा प्लस कोसेक थीटा टू कोसेक थीटा टू कोसेक थीटा अपॉन कोसेक थीटा प्लस वन इंटू कोसेक थीटा माइनस वन, ये आपको मिलेगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन इज इक्वल टू टू। सर्वसमिका का इस्तेमाल करना है, हम जानते हैं वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है कोसेक स्क्वायर थीटा, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन हो जाएगा, सॉरी वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है कोसेक स्क्वायर, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। इस मान को यहां पर रख लेते हैं कॉस थीटा इंटू टू कोसेक थीटा, ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टू। यहाँ पर साइड में लिख दीजिए वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, ये सर्वसमिका का उपयोग हमने यहाँ पर कर लिया। इसको और आगे हल करने के लिए देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, टू बाहर ले लीजिए, ये आपका कॉस थीटा, कोसेक थीटा को वन अपान साइन थीटा लिख लीजिए, वन अपान साइन थीटा, और ये कॉट स्क्वायर थीटा है इसको आप नीचे से कॉस स्क्वायर थीटा और अपान साइन स्क्वायर थीटा वन अपान करके। अब देखिए ये कॉस से ये कॉस वाला कैंसिल हो गया, ये साइन से ये साइन कैंसिल हो गया और ये साइन ऊपर चला जाएगा, तो मिला आपको टू, ये साइन एक साइन बचा है यहां का तो ये साइन थीटा, यहां से एक कॉस बचा है ये आपका कॉस थीटा इक्वल टू टू इक्वल टू टू। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है टेन थीटा इक्वल टू टू, देन टेन थीटा इज इक्वल टू वन, टेन 45 का मान वन होता है, टेन 45 डिग्री का मान वन होता है, इसलिए थीटा इक्वल टू 45 डिग्री, यही आपका आंसर है। हमने इस समीकरण को लिखा, हल करते हुए आगे बढ़ा और थीटा के मान को हमने प्राप्त कर लिया, इस प्रकार से थीटा बराबर 45 डिग्री प्राप्त होता है। एक समीकरण महत्वपूर्ण समीकरण पर और विचार करते हैं, समीकरण है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस थ्री साइन थीटा थ्री कॉस थीटा प्लस टू
अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन। ये एक त्रिकोणमितीय समीकरण है, इसको हल करके थीटा का मान ज्ञात करना है। इसको हल करने के लिए हम त्रिकोणमितीय समीकरण को लिखते हैं। दिया गया समीकरण, समीकरण को लिख लेते हैं कॉस स्क्वायर थीटा माइनस थ्री कॉस थीटा प्लस टू अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन। इसको हल करने के लिए साइन स्क्वायर थीटा को हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, तो ये मिल जाएगा आपको कॉस स्क्वायर थीटा माइनस थ्री कॉस थीटा प्लस टू इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। पुनः साइन स्क्वायर थीटा को हम वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। कॉस स्क्वायर थीटा माइनस थ्री कॉस थीटा प्लस टू इज इक्वल टू वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। फिर देखिए पूरे कॉस थीटा को कलेक्ट कर लेते हैं, यहां माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा है, इधर आके प्लस का हो जाएगा, दोनों आपस में जुड़ जाएंगे तो ये हो जाएगा टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस थ्री कॉस थीटा। यहां पर प्लस का टू है, इधर प्लस का टू है, ये आके माइनस का हो जाएगा तो प्लस का वन बचेगा। इस प्रकार से ये समीकरण प्राप्त हुआ। अब ये कैसा समीकरण है? ये समीकरण वर्ग समीकरण है, कॉस थीटा पर एक वर्ग समीकरण है। तो इस वर्ग समीकरण को हल करते हैं, तो लिखेंगे टू कॉस स्क्वायर थीटा। इसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, तोड़ेंगे, विभक्त करेंगे, एक माइनस टू कॉस थीटा और माइनस कॉस थीटा। माइनस टू कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा दोनों को ऐड करेंगे तो माइनस थ्री कॉस थीटा हो जाएगा, प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। पुनः देखिए यहां से माइनस टू कॉस थीटा को हम कॉमन ले लेते हैं, टू कॉस थीटा को हम कॉमन लेते हैं तो मिलेंगे कॉस थीटा माइनस वन। यहां से माइनस वन कॉमन लेते हैं, कॉस थीटा माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। दोनों में से कॉस थीटा माइनस वन, कॉस थीटा माइनस वन उभयनिष्ठ है, कॉमन है, तो बाहर निकाल लेते हैं कॉस थीटा माइनस वन इंटू टू कॉस थीटा माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। अब देखिए दोनों का गुणनफल जीरो के बराबर है, तो पहला स्टेप जीरो होगा या दूसरा स्टेप जीरो होगा। तो यदि कॉस थीटा माइनस वन इज इक्वल टू जीरो है या टू कॉस थीटा माइनस वन जीरो है। देखिए पहले स्टेप में कॉस थीटा माइनस वन इक्वल टू जीरो, तो कॉस थीटा बराबर वन, तो यहां से थीटा बराबर कॉस थीटा इज इक्वल टू किसका मान वन होता है, कॉस जीरो का मान होता है। तो इस समीकरण से थीटा इक्वल टू आपको जीरो मिलेगा। एक मिला थीटा इक्वल टू जीरो, या दूसरे पार्ट को इसका हल करते हैं तो कॉस थीटा बराबर वन बाई टू या कॉस थीटा बराबर कॉस सिक्सटी का मान जीरो होता है। तो यहां से हमको या थीटा इक्वल टू सिक्सटी अंश प्राप्त होगा। तो इस समीकरण में हमको थीटा के दो मान मिल रहे हैं, एक मान थीटा इक्वल टू जीरो और दूसरा मान या थीटा इक्वल टू साठ मिलेंगे। दोनों में से कोई एक मान इस समीकरण को संतुष्ट करेंगे। इस प्रकार से हम इस अध्याय में त्रिकोणमिति सर्वसमिका एवं त्रिकोणमिति समीकरणों को हल करना सिखाए हैं। इसके पश्चात हम देखेंगे आगे के विषय वस्तु पर, पूरक कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होगा।
पूरक कोणों की त्रिकोणमिति अनुपात। पूरक कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात। तो सबसे पहले हमको समझना है कि पूरक कोण क्या होते हैं। छोटी कक्षाओं में आप लोगों ने पढ़ा होगा, ऐसे दो कोण जिसका योग 90 अंश के बराबर हो वे कोण पूरक कोण कहलाते हैं। अर्थात यदि कोण ए और एक कोण बी है और दोनों का योग कोण ए प्लस कोण बी बराबर 90 है, तब ये दोनों कोण पूरक कोण कहलाते हैं आपस में। अर्थात कोण ए बराबर क्या हो जाएगा, कोण ए बराबर 90 माइनस कोण बी और कोण बी बराबर 90 माइनस कोण ए। अर्थात ए को बी का पूरक कोण और बी को ए का पूरक कोण के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार से त्रिकोणमिति अनुपात में भी पूरक कोणों का बड़ा योगदान है। तो यहां पर देखते हैं त्रिकोणमिति अनुपात में पूरक कोण का मान हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो इसको ज्ञात करने के लिए हम एक समकोण त्रिभुज का निर्माण करते हैं। मान लेते हैं ये एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जिसका बी कोण समकोण है और न्यून कोण सी बराबर थीटा है। एक समकोण त्रिभुज हमने बनाया। तो हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। यहां पर कोण बी 90 अंश है तो निश्चित रूप से कोण ए और कोण सी का मान योग कैसे होगा, 90 अंश होगा। क्योंकि कोण बी 90 अंश है तो कोण ए और कोण सी का योग कितना होगा, 90 अंश होगा। तो ये कोण आपका मिल जाएगा 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ये आपने अगर थीटा रखा है तो इसका एक पूरक कोण मिलेगा, क्योंकि अभी हमने कहा पूरक कोण ऐसे दो कोण जिसका योग 90 अंश होते हैं, समकोण होते हैं, पूरक कोण कहलाते हैं। तो हम यहां पर पाते हैं किसी भी समकोण के दोनों न्यून कोणों का योग 90 अंश होता है, अर्थात दोनों न्यून कोण एक दूसरे के पूरक कोण होते हैं। तो सेम उसी माप का एक दूसरा त्रिभुज बनाते हैं। ये दोनों त्रिभुज एक ही त्रिभुज है, केवल हम न्यून कोण को अलग अलग चित्रों में दर्शा रहे हैं, परिमाप उसका एक ही है। यहां पर यह वाला कोण 90 माइनस थीटा होगा। यह कोण थीटा है, दोनों चित्र एक ही हैं, केवल अलग अलग चित्रों में आपको समझाने के लिए हम इसको दर्शा रहे हैं। अब देखिए समकोण के सम्मुख जो भुजा होता है वो कर्ण कहलाता है, न्यून कोण के सम्मुख भुजा जो होता है वो लंब कहलाता है और शेष भुजा आधार होता है। इसी प्रकार से इस त्रिभुज पर भी देखिए समकोण के सम्मुख भुजा कर्ण कहलाता है। यहां पर न्यून कोण कोण ए है तो इसके सम्मुख भुजा ये लंब कहलाएगी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, आपको ध्यान देना चाहिए। और दूसरा ये शेष भुजा आधार कहलाएगी। कुल मिला के दोनों चित्रों से एक बात स्पष्ट हुआ, कर्ण दोनों त्रिभुजों में वही है, न्यून कोण के आधार पर आधार और लंब परिवर्तन होते रहते हैं। अब आते हैं कि त्रिकोणमिति अनुपात में इन दोनों का क्या योगदान है। तो यहां पर कोण सी बराबर थीटा और कोण ए बराबर 90 माइनस थीटा। हम इस चित्र में देखिए हम साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा देखते हैं। इसमें देखते हैं ये एक नंबर का चित्र और ये दो नंबर का चित्र। चित्रानुसार मैं लिख रहा हूं नंबर, दो नंबर लिखूंगा तो दो यूज होगा, एक लिखूंगा तो एक यूज होगा। साइन
यहां पर न्यून कोण कितना है, 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है आपका, लंब देखिए इसका ये बीसी है और कर्ण कितना है एसी है, समीकरण नंबर एक कहिए। इसी प्रकार एक चित्रानुसार, चित्र एक के अनुसार इसमें कॉस थीटा लीजिए, कॉस थीटा क्योंकि यहां पर थीटा है, तो कॉस बराबर होता है आधार बटे कर्ण। आधार कौन सा है आपका, बीसी है और कर्ण कितना है एसी है, ये समीकरण नंबर दो। तो आप पाते हैं समीकरण एक और दो से बहुत अच्छा रिजल्ट आपके सामने प्रस्तुत हो रहा है, समीकरण एक एवं समीकरण दो से। समीकरण एक का दायां पक्ष भी बीसी अपान एसी है, समीकरण दो का भी दायां पक्ष बीसी अपान एसी है। जब दायां पक्ष बराबर है तो बायां पक्ष भी बराबर होंगे। तो समीकरण एक और दो से मिलते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, यही त्रिकोणमितीय अनुपात है पूरक कोणों के सेंस में। तो देखिए साइन 90 माइनस थीटा बराबर आपको क्या प्राप्त हुआ, कॉस थीटा। यहां पर ये थीटा इस्तेमाल कर रहे हैं, थीटा न्यून कोण के लिए है, थीटा न्यून कोण के लिए है। तो इस पर चर्चा करेंगे थीटा कहां से कहां तक हो सकता है, तो न्यून कोण अधिकतम आप समकोण तक जाएंगे तो 0 से लेकर 90 तक के होगा। इसी प्रकार दोनों चित्रों में चित्र दो के अनुसार हम कॉस 90 माइनस थीटा का मान ज्ञात करना चाहते हैं। कॉस थीटा का मान होता है आधार बटे कर्ण। चित्र दो में देखेंगे आधार कितना है बीसी, कर्ण कितना है एसी, इसको समीकरण नंबर तीन कह दीजिए। इसी प्रकार से चित्र एक के अनुसार, यहां पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि ये दोनों चित्र एक ही चित्र हैं, मैं आपको समझाने के लिए अलग अलग बना दिया हूं। साइन थीटा लेते हैं, साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण। चित्र एक में लंब ए बी, सॉरी यहां पर थोड़ा सा परिवर्तन करते हैं कि कॉस थीटा, कॉस बराबर होता है आधार बटे कर्ण। आधार हमारा चित्र दो में ए बी, ए बी बटे ए सी। चित्र एक में देखिए साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, लंब कितना है ए बी बटे ए सी, ये समीकरण नंबर चार हुआ। समीकरण तीन एवं चार से हम पाते हैं समीकरण तीन का दायां पक्ष का परिमाण AB अपान AC, समीकरण चार का दायां पक्ष का परिमाण BC अपान AC, अर्थात दोनों समीकरणों के दायां पक्ष बराबर हैं। तो निश्चित रूप से समीकरण तीन और चार से cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू sin थीटा हुआ। अतः हम कह सकते हैं पूरक कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात के संदर्भ में साइन 90 माइनस थीटा का मान कॉस थीटा होता है और कॉस 90 माइनस थीटा का मान साइन थीटा होता है। आगे कल हम और देखेंगे कि टेन 90 माइनस थीटा का मान क्या होता है, sec 90 माइनस थीटा का मान क्या होता है, cot 90 माइनस थीटा का मान क्या होता है और cosec 90 माइनस थीटा का मान क्या होता है, ये हम कल के विषय वस्तु में अध्ययन करेंगे। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, कल बाकी हम अध्ययन करेंगे।